जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावसकार, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM रेडियो वही अपना FM 107। लिस्टर्स आप सुन रहे हैं फिर मनोसेवन करते हैं, मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर मावस खान। और वो घड़ी आ गई है जिसके बारे में मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ, जब से उनका यस आया है ना, जब से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। इतनी कोई एक्साइटमेंट है, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरे लिए, बहुत ही आज प्राउड मोमेंट कि मैं बात करने जा रही हूँ राहत काजमी साहब से। तो अब बगैर मतलब ज़्यादा मैं लेट नहीं करूँगी, ज़्यादा ताखीर नहीं करूँगी, हम फ़ौरन से उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर थैंक यू सो मच, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने जज्बात कैसे शो करूं और आपने मुझे हाँ कह दी। मेरे लिए तो सीरियसली मतलब वो दिन ही कुछ ईद का दिन हो गया था और इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे सीरियसली। मतलब आप वो शख्सियत हैं जिनको हमने टीवी पे देखा, और मेरा ख्याल है हर शख्स ने जब भी धूप किनारे देखा होगा, आपके ड्रामे देखे होंगे, तो आपसे ज्यादा किसी के इश्क में किसी की मोहब्बत में लोग मुब्तला नहीं होंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर कॉलिंग मी इन योर शो। सर बहुत ज़्यादा मुझे तो सीरियसली मतलब इतने अरसे से मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, कल भी मैंने अपने लिसनर से ये बात शेयर की थी, बड़ी अजीब सी बात है, कुछ वियर्ड है, वो ये कि मैंने आपको बकायदा ना परसों रात को ख्वाब में भी देखा, इतने आप मेरे हवासों पे छाए हुए थे। आई होप कि मैं किसी डरावनी शक्ल में नहीं आया। नहीं नहीं सर, आप इतने स्वीट हैं, इतने प्यारे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आप मुझे नजर आए थे। और मैं मतलब मुझे खुद हैरत हो रही थी अपने ऊपर कि मैंने देखो इतना मतलब इतना सवार किया हुआ इस चीज को। सर थैंक यू सो मच, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ आपका कम है। थैंक यू सर। अच्छा सर, जितने भी लोग हैं आपको सुनना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम शुरू करेंगे उस जगह से जहां आपने आगाज़ किया था। थोड़ा सा बचपन के बारे में अपने बताएं और फिर कैसे आपने इस फील्ड का चुनाव किया ये भी हमें बताएं। भाई ये खैर कहानियाँ तो बहुत छप चुकी हैं, हर जगह आ चुका है ये किस्सा। हुआ ये था कि जब मैं मुझे कॉलेज जब मैं पहुँचा तो मैं रावलपिंडी में पढ़ता था। वहाँ बहुत अच्छा कॉलेज है जिसका नाम है गॉड कॉलेज रावलपिंडी। तो उस कॉलेज में बड़े अच्छे अच्छे अदाकार जो हैं वो पढ़ चुके हैं, उनका नाम वहाँ लिखा हुआ था, तो मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ। तो मैंने कॉलेज के स्टेज पर काम शुरू किया और खासा वहाँ पर कामयाबी भी हासिल की। आई वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट एक्टर बेस्ट ड्रामा स्टूडेंट ऑफ दैट ईयर एंड मेनी इयर्स टू कम। Great. तो वहां से ये शुरू हुआ। जबरदस्त। तो सर उससे हाँ। पहले आपने माशाल्लाह सीएसएस किया हुआ था? नहीं नहीं, वो तो बहुत बात की बात। अच्छा, वो बहुत बात की बात है। की बात हाँ, सही सही, तो बीए से पहले की बात। राइट राइट। फिर इसके बाद आई वेंट ऑन टू डू माय लॉ, फिर आई डिड माय एमए, देन आई डिड माय सेकंड एमए। ग्रेट। मैं तो पढ़ता पढ़ा कर रहा बहुत। बिल्कुल, हमें आइडिया। हाँ, सीएसएस भी किया तो उसमें कामयाब भी हो गया। वाओ। और सेलेक्ट भी हो गया और चला भी गया और सरकारी नौकरी भी की 3-4 साल। ग्रेट। फिर भाग गया। अच्छा, उधर से भाग गए, सरकारी नौकरी से भाग गया। और मैंने कहा नहीं, मैं तो यही करूंगा, एक्टिंग ही करेंगे। फिर ये करता रहा। हाँ। तो ये कि उसमें जो बुनियादी जो कामयाबी की वजह बनी वो ये थी कि जब टेलीविजन स्टार्ट हुआ पाकिस्तान टेलीविजन, तो 1964 में आई थिंक शुरू हुआ था। तो हमारे जो 7 के लोग थे वो उसमें प्रोड्यूसर हो गए, भर्ती हो गए थे उसके अंदर। तो जब गर्म करने लगे तो उन्हें ख्याल आया कि भाई अगर ड्रामा करना है तो एक हमारा साथी था जो कॉलेज के स्टेज पर बड़ा ड्रामाबाज था, उसको पकड़ के लाया जाए। तो उन्होंने मुझे पकड़ा कि भाई कुछ करो आ करके। तो वहां से हमने आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू किया।
चल से चल बहुत सारा काम हुआ और होता रहता। तो इस तरह से ये आगाज हुआ था। फिर माशाल्लाह से आपने उसी दौरान जब आप एक्टिंग कर रहे थे कॉलेज से, जो आपने शुरू की, फिर उसके बाद आपने इसको एक्टिंग को भी कंटिन्यू किया और इतनी माशाल्लाह हाईली, मतलब आप क्वालिफाइड भी हैं, तालीम भी आपने हासिल की इसी दौरान। जी ये मुझे बहुत फख्र है, इस बात पे बहुत फख्र है। ग्रेट सर। तो सर ये कैसे मुमकिन किया आपने, मतलब आजकल तो अगर कोई पढ़ाई में अच्छा होता है बच्चा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक किताबी कीड़ा बन के रह जाता है, अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करता है तो उसका ध्यान सिर्फ उधर ही होता है, तो आपने कैसे मुमकिन बनाया इस चीज को? नहीं, मेरे पास, मैं हैरान होता हूँ कि लोग बातें करते हैं, इसकी टेक्निक इतनी आसान है कि मैं किसी को क्या बताऊं, लोग हंसेंगे। इसकी टेक्निक सिर्फ ये है कि आप दिन में कोई एक टाइम तय करें, हाँ आप अपने आप से कहें कि जी ये जो वक्त है 5 से लेकर 6:30 बजे का 1.5 घंटा बस ये मेरा है, इसके अंदर ना मैं कोई फोन सुनूंगा, ना म्यूजिक सुनूंगा, ना कंप्यूटर्स खेलूंगा, कुछ काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। ना कोई मुझे मिलने आ सकता है, ना कोई मुझसे बात कर सकता है, सबसे बंद गुफ्तगू। सही। तो अगर आप रोजाना 1.5 घंटे बैठे तो 1.5 घंटे में तकरीबन आप 30 से 40 पेजेस अच्छी अंग्रेजी के डिफिकल्ट प्रोज के पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। सही। तो आप अंदाजा लगाएं अगर आप रोजाना 30 सफे पढ़ें तो 1 महीने में 900 सफे बनते हैं। एग्जैक्टली। और 1 साल में कितने बनते हैं आप सोच लीजिए। सही बात है। तो यानी कम 1 साल में आपने 50 किताबें तो पढ़ ली। एग्जैक्टली। यानी डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ डिसिप्लिन, बात यह है कि लोग जो है पढ़ते हैं तो बीच में कोई फोन सुन रहे होते हैं, कोई गप मार रहा होता है, कोई दस से कुछ और आ जाता है, कोई मौसीकी सुनता है, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू डेडिकेट। मैं तो अपने काम में भी, जब मैं ये प्रोफेशनली भी जो हम काम करते हैं, मैं उस वक्त किसी से बात नहीं करता। अच्छा। हाँ आप अगर इधर उधर गप्पे लगाने में लग जाएंगे तो आपकी एनर्जी, आपकी जो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो जायल हो जाएगी। डोंट डू इट। एग्जैक्टली। डोंट डू इट। मैं तो कोई ना बात करता हूँ, ना गुफ्तगू करता हूँ, ना किसी की तरफ देखता हूँ, सिर्फ मैं अपने जहन में दोहराता हूँ कि मुझे क्या करना है, ये रोल क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा किरदार क्या है, मैं उसको समझे हुए हूँ कि नहीं समझे हुए। आई फोकस देयर, दैट इज दी वे। आप जो है बीच में इधर उधर लोग ठुल्लेबाजियां बात करते हैं, ठुल्लेबाजियों में सिर्फ वक्त जाया होता है, कुछ नहीं होता, बस ये बात। एग्जैक्टली। मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसको डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ करेंगे तो वो हर काम में आपके परफेक्शन आएगी आएगी। तो सर ये डिसिप्लिन और ये इतनी परफेक्शन आपकी लाइफ में ये कैसे आई, बचपन में किस तरह की तरबियत थी? नहीं ये खुद करना पड़ता, ये कोई सिखा नहीं सकता, ये होता नहीं है, ये तो करना पड़ता, इतना मारना पड़ता। सही। इतना मारेंगे तो कुछ होगा, चाहे आप इबादत कर रहे हो, चाहे आप कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा जब तक दिल नहीं झुकेगा। सही। तो दिल को झुकाना तो आपका काम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही। तो सर बचपन में किस तरह का माहौल था आपके घर में, कुछ अपनी फैमिली, क्योंकि हमें आपके बारे में ज्यादा नहीं पता। जो है मेरा घर जो है वो बड़ा मजहबी से घराना था, लेकिन मेरे वालिद लॉयर थे और पढ़ते लिखते बहुत थे, उन्हें बहुत शौक था। मेरी वालदा जो है वो उस मायने में तो पढ़ी लिखी नहीं कि कॉलेज वगैरह के हवाले से, लेकिन उस जमाने में लड़कियों को जो मुंशी फाजिल अदीब आलम करवाया जाता था वो उन्होंने किया हुआ था, फारसी जानती थी माशाल्लाह, उर्दू हाँ शायरी जानती थी माशाल्लाह, ये इस कसम का माहौल था। ग्रेट, जबरदस्त। मगर आखिर में जो है वो बात आके आप पर टूटती, आप क्या करना चाहते हैं और उसके लिए आपके अंदर कितना टप्पड़ है तो ये बताएं ना आप। एग्जैक्टली। आपको लड़ना भी है, हालात से भी लड़ना है, लोगों से भी लड़ना है, वाकयात से भी लड़ना है, अपने आप से भी लड़ना है। बिल्कुल। सब मार के जीतने पड़ते हैं। तो सर इतना माशाल्लाह पढ़ा लिखा घराना आपका, आपके वालिद लॉयर थे,
और आपने खुद डबल डिग्रीज ली, मास्टर्स की, फिर आपने सीएसएस किया, तो आपको घर वालों की तरफ से कुछ मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा कि नहीं अब तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो? हुआ था जब मैंने लॉ किया तो वो इसी ख्याल से किया था कि अपने वालिद के साथ प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन फिर मैं बदमाश हो गया, दिल उचाट हो गया कि नहीं ये नहीं करूंगा। मैंने सीएसएस का इम्तिहान दे डाला। तो वंस यू आर सिलेक्टेड इन सीएसएस कोई आपसे कुछ नहीं कहता, वो समझते हैं ये आप साहब बाबू बन गया है, अब ये बड़ी जगह पहुंच जाएगा, बस अब छोड़ दो इसे। तो मेरी जान सब ने छोड़ दी और मैंने ये किया कि कुछ अरसे बाद मैं वहां से भाग गया। ये किसी को पता नहीं था कि भाग जाऊंगा मैं। सही, फिर आपने एक्टिंग शुरू कर दी। अच्छा, एक्टिंग में भी आपने बहुत सिलेक्टिव काम किया है। जी, मैंने बहुत कम, मैंने 3 साल में अंदाजन एक दफा काम किया। 3 साल में एक दफा काम किया। तो सर फिर मतलब आप सीएसएस के बाद जॉब कोई कर रहे थे, क्योंकि ये जो टीवी और वो भी उस जमाने में, तो जरिया मौज तो नहीं हो सकता किसी का? नहीं नहीं, मगर काम बहुत करते थे। अच्छा, न्यूज़पेपर्स में काम करते थे। एक्चुअली उस जमाने में काम था भी बहुत। तो अगर आप 4 लफ्ज जोड़ लेते हैं और पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, तो काम मिल जाता है आपको। ऐसी आजकल मिल जाता है भाई। मैं कितने जर्नलिस्ट को जानता हूँ जो कोई खास बड़े न उनके ऐसा कलमकार वो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं। सही, तो काम मिल जाता है अगर आप काम ढूंढे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता, तो आप उसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्यूशन पढ़ा सकते हैं आप, पढ़ा सकते हैं। हम रेडियो पे काम करते थे, पढ़ाते थे। ग्रेट, स्कॉलरशिप मैंने जीते हुए हैं, 2 स्कॉलरशिप मेरे पास थे। वाओ, जबरदस्त। सर तो पहला ड्रामा टीवी का पहला प्रोजेक्ट आपको याद है कि वो कौन सा था? आई थिंक आपने एज ए एंकर शुरू किया था। हाँ, एज एन एंकर शुरू किया, लेकिन बीच में भी प्लेस करते रहे, 1-2 इंडिविजुअल प्लेस किए। नैयर कमाल साहबा के साथ पहला खेल मैंने किया था, कोलतार के नाम से। कोलतार के नाम से शुरू हुआ। मगर उस जमाने में ये इंटरकनेक्टेड नहीं थे टेलीविजन, तो आप जो काम रावलपिंडी में करते थे वो वहीं के लोग देख पाते थे। कराची नहीं जाता था वो, या लाहौर नहीं जाता था। अच्छा, ये बाद में शुरू हुआ। सही, मतलब उस वक्त जाता भी नहीं था। ये नहीं कि एक जगह के जो आर्टिस्ट हैं वो दूसरे स्टेशन पे काम नहीं कर सकते, बल्कि देखा भी नहीं जा सकता था ना उस जमाने में। कोई रिवायत नहीं थी, बिकॉज अभी लिंक्स नहीं हुए थे अभी तक। ये लिंक्स बाद में बने। माइक्रोवेव लिंक है ना पीटीवी का, वो बाद में बना। सही सही। तो पहला आपका जो ड्रामा सीरियल था वो कोलतार था, और एज एन एंकर आपने कौन से प्रोग्राम सर सबसे पहले? नहीं था, सीरियल नहीं था, वो सिंगल प्ले था। सिंगल प्ले था। और एज एन एंकर आपको याद है कि कौन सा आपका प्रोग्राम था पहला? हाँ, एक प्रोग्राम था, उसका नाम था मेयार। राइट। सही, वो एक कसौटी की तरह का प्रोग्राम था, सवाल जवाब का बस। सही सही, तो वो आपने होस्ट करना शुरू किया। जी, पैसे कमाते थे ना थोड़े बहुत। सही सही। तो सर आपने जैसे कॉलेज से सिलसिला आपका शुरू हुआ था, तो इंट्रोड्यूस कराने वाला टीवी पे कौन था, कौन शख्सियत थी, कौन सी जिसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया? आपने कहा ना कि हमारे साथ के बहुत सारे लोग जो थे वो वहाँ प्रोड्यूसर हो गए थे। उनमें कई नाम है, एक खालिद महमूद जैदी एक साहब होते थे, वो है, एक और मोहम्मद रिजवी थे। अब सबके इंतकाल हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर थे जो टीवी में से मुंसलिक थे, जिन्होंने हमें बुलाया। सही सही। अच्छा सर, ये भी मैंने सुना है कि आपके जो ड्रामे होते थे जिनमें आपने परफॉर्म किया है, बहुत ही जबरदस्त ड्रामे, धूप किनारे, कुर्बतें, तो इनमें से काफी सीरियल्स आपने खुद लिखे थे, आप राइटर भी हुआ करते थे उन ड्रामों के? नहीं, मैंने एक लिखा। अच्छा, एक लिखा। सही, वो कौन सा सीरियल था सर? तीसरा किनारा। अच्छा, सही सही जी सर। तो अच्छा, जब आप टीवी कर रहे थे तो उसी दौरान आप थिएटर पे भी काम कर रहे थे? नहीं नहीं, थिएटर उस जमाने में इतना वाजे नहीं था। उस वक्त तक थिएटर जो है वो पक्कड़ हो चुका था, लाहौर में जो है वो थिएटर शुरू हो चुका था, जिसे हम वॉडेबल कहते हैं, या यू नो वन मैन शोज किस्म का थिएटर।
अच्छा कॉमेडीज और ये और वो, हाँ जो सीरियस वर्क था थिएटर का वो नहीं हो रहा था वहाँ पे। सही, सीरियस वर्क बरसों बाद जो है वो कराची में हमने ही शुरू किया दोबारा, जब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की जिसका नाम है नापा, नापा नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची। तो ये उन जो है ये 2005 में बनी और इसने फिर ड्रामा का आगाज किया। सही, थिएटर का आगाज किया। हाँ सही, ड्रामा होता क्या है और कैसे किया जाता। सही सही। तो सर टीवी पे और मूवीज़ में आप काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे, लोग आपको बहुत पसंद करते थे एज अ एक्टर एज अ हीरो, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने टीवी से और फिल्मों दोनों से अपना ताल्लुक तोड़ दिया? नहीं, जब तक काम होता रहा करते रहे, किसने कहा तोड़ दिया भाई? मैंने धूप के किनारे जो है वो कब किया था, गालिबन इट वाज 87 और समथिंग लाइक दैट, या 85। लेकिन उसके बाद भी सर तो देखना चाहते थे लोग। उसके बाद भी मैंने काम किया हुआ है। एक आपका प्ले था अली काजमी के साथ, हाँ, वो मुझे याद है। किया मैंने, हाँ है? मैं एक आपका प्ले था आपके बेटे अली काजमी के साथ ना, वो आई थिंक मेरा ख्याल है। हाँ हाँ जी जी, वो भी किया, वो तो सायरा की प्रोडक्शन थी। Saira has been the real creative person. She is the one who brought the best out of me. उन्होंने बहुत काम किया। सही। तो आपका फिर मतलब जब टीवी से आप, सही है, ताल्लुक नहीं टूटा लेकिन आप टीवी पे हमें बहुत कम नजर आए, और फिर नापा आपने माशाल्लाह से, आपने जिया मोहियुद्दीन साहब ने, कि जब कमर्शियलाइजेशन, देखिए बात ये है जब कमर्शियलाइजेशन हो जाती है किसी काम की तो फिर उस काम में खूबसूरती नहीं रहती। मुझे एतराज ये है कि आप सिर्फ काम जो है वो सिर्फ कमर्शियली हो रहा है, कोई काम को काम समझ के नहीं कर रहा। हमने जब तक काम किया, जैसा कैसा भी किया, वो काम को काम समझ के किया। सही। लेकिन हमने उसके अंदर जो है वो कभी ये नहीं सोचा कि इसमें पैसे कितने बनेंगे, चलो जो आ रहे हैं कर लो, ये नहीं था। रोल पसंद है करना है, नहीं पसंद नहीं करना। सही। उसमें जो थे ये जो कमर्शियल जो अदारे हैं वो खफा हो जाते हैं आपसे, क्या मतलब है आपने रिजेक्ट कर दिया। मैंने तो कहा भाई जब काम ठीक होगा तो करेंगे। मतलब वो लोग डायरेक्टर बन गए जिनका सोच भी नहीं सकते थे। एग्जैक्टली। डायरेक्टर को बड़ा मामूली आदमी नहीं होता। बिल्कुल। डायरेक्टर एक बहुत आम आदमी है, उसकी उसको बिल्कुल ही उन्होंने वो बना दिया कि एक चपड़ासी है वो, तो उसका नाम भी नहीं देता आप तो ड्रामों के अंदर। बिल्कुल। आप कहते हैं ना सारा काजमी का ड्रामा, बिल्कुल सही बात, उसके बारे में क्यों नहीं कहते। सही। तो सर ये कमर्शियलाइजेशन, क्रास कमर्शियलाइजेशन किल्स आर्ट। राइट। सही, ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो इतना हाई आर्ट नहीं था, लेकिन जैसा कैसा भी था इट वाज, इट हैड अ प्योरिटी अबाउट इटसेल्फ। सर वो कमाल आर्ट था, बिल्कुल, अब वो क्लास थी। मतलब इन्होंने तो बिल्कुल पैसे कमाने का धंधा कमाने का काम कर दिया उसको। कितने आर्ट चलेंगे हर जगह, तो आप साबुन बेचना शुरू कर देते हैं तो ड्रामे का क्या हुआ। सही बात है, मतलब एक्टर बोल रहा है उसके मुंह पे जो है वो तो बस नो बिक रही है। सही बात है, कपड़े बिक रहे हैं। मैं तो हाँ, मैं तो मतलब आई विल रिवोल्ट, मैं तो उनसे सू कर दूं कि ये क्या मतलब है आपका भाई। बिल्कुल। आपने मुझे 50,000 में हायर किया और मेरे मुंह के ऊपर आपने जो है वो 2,000,000 रुपए के इश्तहार लगा दिए। ये क्या तुक है। बिल्कुल। और कोई इज्जत नहीं रहने देते आप आर्टिस्ट की भाई। आर्टिस्ट बड़ा आदमी होता है, आप उसको समझते हैं कि ये बिकाऊ माल है, जहाँ चाहो बेच लो इसको। सही बात है, इतनी कमर्शियलाइजेशन में काम नहीं हो सकता। बिल्कुल छोड़ दिया।
इसीलिए छोड़ दिया. राइट. तो सर हमारे यहाँ मतलब हमारे टीवी पे हर सीनियर आर्टिस्ट का भी और वैसे भी लोगों का ये गिला है कि जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं जितना बेहतरीन काम हमारे यहाँ हुआ करता था उस तरह से उस चीज का रिवॉर्ड नहीं मिलता. नहीं नहीं ये गलत बात है. आप करके तो देखें. देखिए कोई कोई सीरियल जिसमें जो अच्छा होता है वो भी चलता है और बुरा तो चलता ही चलता है. सही. अच्छा अच्छा भी चलता है. आप अच्छा काम करें तो सही लेकिन अच्छा काम करना मुश्किल काम है. कौन लिखेगा उसको देखेगा कौन उसको सुपरवाइज कौन करेगा डायरेक्टर का हाथ कैसा है वो कितना जानता है अपने काम को. ये सब काम चाहिए ना. सही. ये तो यहाँ है ही नहीं. वो तो जिसको चाहते हैं उठा के पकड़ा देते हैं कि यार कर लीजिए. ऐसे थोड़ी होता. सही. टीवी में जब तक हम रहे हर आदमी को ड्रामा करने की इजाजत नहीं थी. ड्रामा करने के लिए तो बरसों लोग वॉच करते थे जो बड़े थे. फिर तय करते थे कहते भाई ये आदमी जो है इसमें पोटेंशियल है इसको ड्रामा दिया जाए. तो पूरे स्टेशन के ऊपर हर स्टेशन पे ज्यादा से ज्यादा 3 लोग ड्रामा प्रोड्यूसर होते थे. बाकी लोग ड्रामा नहीं करते. कुछ और वो करते थे या ऐसा वैसा करते थे. ड्रामा नहीं करते थे. यहाँ तो इन्होंने उसको मजाक बना दिया. वो हर आदमी उठ के शुरू हो जाता है हिदायत कार. आई डोंट नो. सही बात है. आपको कैसे लगते हैं. हमें तो नहीं पसंद. एग्जैक्टली सर. तो सर पीटीवी लेकिन कोई कोई काम जो है वो अच्छा होता है. लाइक मैं समझता हूँ आंगन एक सीरियल था. आंगन एक सीरियल था पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा. अभी जो नया है जी सज्जल. आंगन. जी जी सज्जल और आहत रजा मीर का जो ड्रामा था आंगन. जी जी देखा था आपने. जी बिल्कुल देखा था. वो अच्छा था. ना ऐसा काम करने के लिए खून थूकना पड़ता है. एग्जैक्टली. उसकी ऑथेंटिसिटी क्रिएट करना उसके अंदर वो माहौल वो वक्त पैदा करना अहद में वो हुआ मुश्किल काम. ऐसा काम जब होगा तो अच्छा लगेगा. वो भी चलता है. एग्जैक्टली. बिल्कुल. तो सर पीटीवी तो अभी भी कमर्शलाइज नहीं हुआ है. पीटीवी अभी भी गवर्नमेंट का इदारा है. तो अब ऐसी क्या वजह है कि पीटीवी पे भी उस तरह का काम नहीं हो रहा जो पहले धूप किनारे में नहीं रहे ना. देखिए सियासी धड़े बंदियों ने बेड़ा गरक कर दिया. जैसे पीआईए का बेड़ा गरक हुआ. सियासी भर्तियां कर करके इन लोगों ने इतने लोग उसमें भरे. जो पार्टी इख्तदार में आई उसने अपने लोग भरे वहां पे. नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वहां कोई आदमी रहा ही नहीं. करेगा कौन भाई. करने के लिए तो आदमी चाहिए. एग्जैक्टली. सब अच्छे लोग या मर गए या छोड़ के चले गए. बिल्कुल. तो सर जैसे गजनफर अली साहब ने और सुल्ताना सिद्दीकी ने इन लोगों ने अपने अपने चैनल्स का एक प्लान किया था. इन्होंने चैनल्स अपने खोले भी. तो ऐसा प्लान आपने और सहरा काजमी साहबा ने क्यों नहीं किया. क्यों एक और कमर्शियल काम शुरू कर दें. लेकिन अच्छा काम तो देखने को मिलता ना. देखिए कोई मायने तो हो. जो काम आप करने जाए उसके अंदर कुछ मायने होने चाहिए. आप उठ के खाव का जबरदस्ती एक काम शुरू कर दें इसकी क्या मायने. चैनल उसे खोलनी चाहिए जब आप समझें कि भाई इतने पैसे आपके पास हैं कि आप वो काम कर सकते हैं बगैर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के जो होना चाहिए. लेकिन वो आमतौर पर गैर सरकारी इदारों में नहीं हो सकता. देखिए लंदन में अगर आपको याद हो तो अभी भी बीबीसी जो है वो गवर्नमेंट की सब्सिडी पे चलता है. अपने पास उसके पास इतने पैसे नहीं वो ऐसा काम कर सके. राइट. सही. इसी तरह अगर आप वहाँ आर्ट्स काउंसिल को देखें तो वो हुकूमत के पैसों से चलती है. नेशनल थिएटर जो है वो उसकी पेमेंट जो है वो हुकूमत करती है.
ये काम हुकूमत का है तो सरपरस्ती करे, राइट, लेकिन उसके बगैर नहीं ये काम हो सकता। आप चाहें कि कमर्शियली ये काम हो जाए, ये नहीं हो सकता, वो तो फिर हॉलीवुड की फिल्म बनेगी, बॉलीवुड का सिनेमा बनेगा। सही सही, अच्छा ये तो काम नहीं होगा वहाँ। एग्जैक्टली exactly. तो सर ये नापा के पीछे क्या आइडिया था कि इसको जब हम बना, मतलब आप लोग, ये आइडिया था कि हुकूमत जो वो पैसे, हुकूमत पैसा देती है, हुकूमत ना दे तो ये नहीं चलेगा इदारा। हुकूमत पैसा देगी और हम वो ड्रामा करने की कोशिश करेंगे जिसका जिक्र आया है और जो किया जाना चाहिए। तो हमने जब शुरू किया और हमारा पहला बैच निकला 3 साल बाद, हमने एक रेपर्टुआर थिएटर की बुनियाद डाली और उन्हीं आर्टिस्टों के साथ मिलकर ड्रामे करने शुरू किए। हम 1 साल में 4 ड्रामे करते थे, हर 3 महीने बाद एक ड्रामा। अच्छा, लेकिन देखने लायक होता था वो, बहुत अच्छे काम उसमें हुए। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स मिले हैं नापा से। जी बिल्कुल। तो इसमें थिएटर आप लोग करते थे और उसमें जो न्यू जो टैलेंट था उसको निखारा भी जाता था। जी जी, सिखाते हैं बाखर, ये काम सीखने का काम है। एक तो मुझे ये भी गिरा है, लोग आजकल सीखते नहीं ये काम को। हम 3 साल लगाते हैं, जी जी, जान मारते हैं सिखाने में। आवाज पे काम होता है, जिस्म पे काम होता है, बॉडी पे काम होता है, लहजे पे काम होता है, तलफ्फुज पे काम होता है, जबान की दुरुस्तगी पर, अल्फाज की अदायगी पर, आवाज के थ्रो पर, आवाज की मॉड्यूलेशन पर, सब पे काम की जरूरत है। सही, ऐसे ही तो नहीं ना। बिल्कुल। तो सर ये जो कहा जाता है कि आर्टिस्ट तो बॉर्न एक्टर्स और गॉड गिफ्टेड होते हैं, बन नहीं सकता आर्टिस्ट, तो ये क्या है? अगर कोई, मतलब कोई भी चाहे, किसी को शौक हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो कहीं पे ट्रेन हो, कहीं पे जाके तालीम हासिल करे? टैलेंट आप में होना चाहिए बुनियादी, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगा जब तक कुछ काम नहीं होगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, जो अपने स्टूडेंट्स को भी मैं देता हूँ। मारिया शरापोवा की उम्र 16 साल थी जब उसने विंबलडन जीता। तो किस उम्र में रैकेट पकड़ा होगा उसने? एग्जैक्टली, बहुत छोटी उम्र में, 6 साल में रैकेट पकड़ा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो 10 साल लगे उसे वहां पहुंचने में। तो आपने अगर विंबलडन की पिछली टांग भी पकड़नी है तो कम से कम 5-6 साल तो लगाएं। सही बिल्कुल। तो कौन लगाता है यहाँ? तो कोई लगाता ही नहीं है। सही बात है। हर आदमी घर से हीरो बनने के शौक में आ जाता है। तो सर नापा में पढ़ता है आपको? हाँ। हम तो थ्योरी पढ़ाते हैं, ड्रामा है क्या, उसकी हैयत क्या है, शेक्सपियर कौन था, शेखोव कौन था, हमसे ये सब पढ़ाते हैं इनको, इन सबको पता है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप उनसे पूछें ग्रीक ड्रामा क्या था, रोमन ड्रामा क्या था, जैकोबियन ड्रामा क्या था, एलिजाबेथन कौन सा था, मतलब सारा हिस्ट्री थिएटर, हिस्ट्री ऑफ थिएटर, तो ये आपको पता ही नहीं है। आप तो उसके बगैर लक्स बजा रहे हैं इधर से उधर, ना डायरेक्टर को पता है। बिल्कुल। अब पीटीवी के ज़माने में सर पैसे इतने नहीं होते थे, लेकिन जितनी भी मेरी डायरेक्टर से बात हुई है, एक्टर से बात हुई है, तो ये पता चला है कि उस ज़माने में बकायदा ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, अब्रॉड भी भेजा जाता था अगर उसकी ज़रूरत होती थी तो। जी बिल्कुल। तो अब जब इतना कमर्शियल दौर है, इतना पैसा आ भी रहा है, तो अब इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? आपके नज़दीक क्या वजह हो सकती है? आप बात करें ना उनसे, आप उनसे बात करें। सर मेरी क्या, अपने खीसे भरने से फुर्सत तो कुछ करेंगे ना। अपने खीसे भरने के से कुछ फुर्सत हो तो कुछ करें। सही, बिल्कुल ऐसा ही है।
चलें सर, थोड़ा सा ये सीरियस मूड की बातें हो गई, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपकी और साहिरा काजमी की जिंदगी के बारे में। ये शादी कैसे हुई थी? कैसे हुई? शादी ऐसे हुई कि हम दोनों मिले खेल में, कुर्बतों और फासले में हमारी मुलाकात हुई। तो मैंने इनके वालिद से प्रपोज किया। उस जमाने में मैं सिविल सर्वेंट ऑफिसर था, मेरी बात फौरन मान ली गई। वाह, जबरदस्त सर। सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे, उसके साथ साथ पर्सनालिटी ऐसी थी कि कोई मना कर ही नहीं सकता था। पर्सनालिटी भी तो आपकी ऐसी थी कि कोई मना कर ही नहीं सकता था। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन बहरहाल मतलब है कि वो हो गया गलती से। अच्छा, अब वो भुगत रही बेचारी। अच्छा, आपको साहिरा की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी थी उस वक्त? किससे मुतासिर हुए थे? उनकी खूबसूरती से, उनकी इंटेलिजेंस से? उनकी सबसे बड़ी बात जो है, जो अब तक उनमें है, वो ये है कि वो अपनी बात जो है वो उस पर कायम रहती है। दो बातें वो करती नहीं है, और जो करती है उस पर कायम रहती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट थिंग्स एंड शी कैरीज देम थ्रू। ये बड़े कम लोगों में होता है, क्योंकि लोग जो है वो बिक जाते हैं, पैसों पे चले जाते हैं, कुछ हो जाता। साहिरा को कोई नहीं हिला सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उसके हाथ पे 5 लाख रुपए रख दें, 10 लाख रुपए रख दें, 15 लाख रुपए रख दें, 1 करोड़ रख दें, साहिरा साहिरा ही रहेगी। सही, नोबडी कैन टेम्प्ट। बस ये बहुत बड़ी बात है। इसी बात से आप इंस्पायर हुए थे? या सही सही, मुझे अच्छा लगता है कि लोग डिफाइंट हों, हालात को समझौता ना करें, लड़ने की हैसियत और काबिलियत रखते हों, अच्छा लगता है। सही सर, घर पे किसकी चलती है ज्यादा? आप मुझे लगता है काफी खामोश तबीयत के हैं, साहिरा एक चंचल सी हैं, जो शुरू से जो इनका एक इम्प्रेशन है हमारे ऊपर, तो घर में किसकी ज्यादा बात सुनी जाती है? आई गेस ये अजीब सवाल है, लोग जो है वो कि कौन बेहतर है कौन वर्स्ट, ऐसे नहीं होता है। घर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। अगर मैं नहीं सुनूंगा तो वो भी खराब बात है, वो नहीं सुनेंगे तो भी खराब बात है। भाई एक दूसरे की आप सुनते हैं तभी तो आगे चलते हैं। ये गाड़ी ऐसे नहीं हाँकी जा सकती। सही, ये सवाल ऐसे है फजूल कि वो कौन बेहतर है, कौन बेहतर है, कौन बुरा है। नहीं भाई, बोथ हैव टू प्ले एन इक्वल पार्ट। सही सर। अच्छा, और जब दोनों बराबर का साथ नहीं देंगे तो गाड़ी उल्टी हो जाएगी, साइड पे एक ट्रैक पे बैठ जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने जो टीवी पे नोटिस किया है, अब आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो हमने टीवी पे देखा है, आप मीडिया पे इतना ज़्यादा आपका नहीं आना होता, और सोशल भी मुझे लगता है कि आप इतने ज़्यादा नहीं है, दोनों ही, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? सिर्फ इतना सा है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे जो फारिग़-ए-वक़्त मिलता है मैं उसमें किताबें पढ़ता हूँ। साहिरा को इतना पढ़ने का जुनून नहीं है। उसे हाँ, उसे शोबिज़ का जुनून है, मुझे इतना जुनून शोबिज़ का नहीं है। करता हूँ, मैंने काम किया भी है, लेकिन जुनून की हद तक नहीं किया। उसने जुनून की हद तक किया। तो मेरा तो किताबें जो है मेरा ओढ़ना बिछोना है। मेरे पर्सनल लाइब्रेरी में कोई तकरीबन 3-4 हज़ार तो किताब पर्सनल लाइब्रेरी में है। ग्रेट, 3-4 हज़ार। मेरे सारे पैसे जो है वो इसी में खर्च हुए। जबरदस्त। तो सर, रूटीन क्या होती है आपकी? किस तरह से सुबह का आगाज होता है, फिर किस तरह आपकी पूरी किताबें पढ़ने के साथ बाकी रूटीन क्या रहती है? नहीं, मैंने आपको देखिए हमेशा की तरह बताया कि 1.5 घंटा जो है मेरा है। अच्छा, बाकी वक्त में और काम करता हूँ, नापा जाता हूँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं?
क्या मजा, अभी मैंने आपको लेक्चर दिया पढ़ाने पर, मुझे समझी गया शायद तारीफ शुरू। कौन पढ़ा था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हिस्ट्री थिएटर कौन पढ़ा था? मैं पढ़ा था। वाह ग्रेट, तो ये रूटीन ये काम रहती भी करते हैं। सही। हाँ सही। अच्छा, मैंने आपका जहाँ से नंबर हासिल किया था ना, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि वो मोबाइल फ़ोन अपने पास रखते ही नहीं है, तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, लेकिन पता नहीं वो फ़ोन रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर आपसे भी यही पता चला कि आप मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो इसके पीछे सर क्या रीज़न रहा है, क्यों ऐसा आपने किया? इसके पीछे ये है कि लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं ये इल्म है। टेक्नोलॉजी इल्म नहीं है, टेक्नोलॉजी इल्म का हासिल करने का एक जरिया है। तो अगर वो एक जरिए से नहीं है और आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो आप वो पढ़ें, कुछ जरूरी तो नहीं है। इससे क्या मतलब, मुझे बताए ना कि इससे क्या इजाफा हुआ किसी की जात में या कोई। आप क्या काम करते हैं मुझे बताएं, फोन पे जो उसके बगैर नहीं हो सकती जिंदगी आपकी, सिवाय गप मारने के जो अब हम कर रहे हैं फजूल वक्त आया। हाँ और क्या, बातों के पैसे आप खर्च कर रहे हैं, उससे एक बेहतर दूसरे आप से बात कर ली, फेसबुक कर लिया, फेस टाइम कर लिया। लाखों रुपए इस बात के लोग देते हैं कि फेस टाइम करके बच्चों की तस्वीरें देख लें जो बाहर रह रहे हैं मुल्क से। बिल्कुल व्हाट फॉर, सही भाई जाके मिल लो, हो आओ, उनको बुला लो। सही। क्या टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ आती। क्या आप इसकी वजह से समझते हैं आपकी अकल में कोई इजाफा हुआ, इल्म में इजाफा हुआ? नहीं, इल्म में इजाफा सिर्फ एक ही तरीके से होता है बेटा। जी तो सर, आपका बेटा तो इस वक्त जैसे कनाडा में रहता है, तो आप लोगों का क्या मतलब, आप फोन पे बात करते हैं रोजाना या नहीं करते? मैं नहीं करता ज्यादातर, अच्छा सायरा करती है। अच्छा तो कभी सर बच्चों को इस बात पे शिकायत होती है कि अब्बा तो हमारे टाइम नहीं देते हमें? हाँ है, अच्छा मगर मैं उनसे ही कहता हूँ कि भाई जब हालात ठीक होंगे तो या मैं आ जाऊंगा या तुम आ जाना। बाकी फोन पे क्या मुस्तकिल बात करने की कोशिश करते रहो, आवाज कट जाती है बीच में, ओए ओए आवाज नहीं आ रही, हेलो ना, दिमाग का कुछ अजीब कंफ्यूजन है। मैं इसे बहुत कंफ्यूजन समझता हूँ। 1500 मशीनों में आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल घिरे हुए लोग मशीनों में बैठे रहते। सही सही। अच्छा तो जैसे बच्चों, आपका रेडियो स्टेशन। हाँ सर क्या करें सर सर अभी जैसे आपके बच्चे हैं वो भी इसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं या फिर वो डिफरेंट लगते नहीं हैं आपको? पढ़ते, नहीं नहीं पढ़ते। पढ़ते, नहीं पढ़ते। हाँ, तो आपको उनसे इस आप बात कुछ पे कुछ शिकायत है? पहुंचेगा। हाँ है? मैं मुझे शिकायत है, बिल्कुल है, सही बिल्कुल है। सही। देखिए मैंने आपसे बार बार कहा ना कि ये हर आदमी नहीं कर सकता, एग्जैक्टली इसकी तवक्को रखना भी गलत है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये करने के लिए आपको पिता मारना होता है, पिता मारना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। देखिए ना कितने कितने बरस जो है लोग इबादत करते हैं कि उनको जो है वो अली मिल जाए। 12 साल वो अली कलंदर जो है वो खड़े खड़े रहे दरिया के अंदर, मछलियां उनके पाँव का गोश्त खा गई। उन्होंने कहा नहीं, बू अली आप मुझे देंगे तो मैं यहाँ से जाऊंगा। तभी तो बू अली कलंदर कहलाए। लेकिन 12 साल का कष्ट था। बिल्कुल। तो आप इसी तरह हर काम के लिए 12 साल लगाएंगे तो वो कुछ काम होगा। एग्जैक्टली। तो इसके लिए डेडिकेशन चाहिए ना। सही बात। आप एक मछली ने काटा और आप बाहर भाग के बाहर आ जाएं पानी से तो फिर तो नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
अच्छा सर, जैसे मुझे आपकी बातों से अभी अंदाज़ा हो रहा है और मैं ये समझ रही हूँ कि आप शुरू से इसी शख्सियत के मालिक हैं, आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते गैर ज़रूरी चीज़ों में, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है उसको भी लोग अक्सर गैर ज़रूरी ही समझ रहे होते हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि फैशन सेंस आपका बड़ा कमाल का था। आप कपड़े जो आप पहना करते थे बहुत ही ज़माने के हिसाब से, मैं बाकायदा अभी भी आपके ड्रामा सीरियल्स देखती हूँ तो मुतासिर होती हूँ उस बात से, तो फैशन सेंस था शुरू से ये मतलब ये मैं तो कोई फैशनिस्टा नहीं था सीरियसली ना, मैं नो मेरी बीवी मेरे लिए कर लेती है कुछ, मैं वो पहन लेता हूँ कुछ। उस जमाने में एक आध डिजाइनर थे जो पीटीवी के लिए काम करते थे, तो कभी अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के ऊपर जरूरत मतलब काम वो दिया, टाइम दिया पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे कि नहीं मुझे ऐसे चलना है, ये जीन्स पहननी है? नहीं भाई, ये काम मैंने नहीं किया, नहीं किया ये काम मुझे नहीं आता। नहीं सर, आपसे दूसरे लोग सीखते हैं सीरियसली ये देख के ना, बल्कि सीख भी नहीं पाते, आपका इतना जबरदस्त सेंस है जो हम देखते हैं आपके ड्रामों में, ये सब सीखने की है, वो सीखें ये फजूल बातें ना सीखें। अच्छा, सीखने की बात ये है कि पढ़ा कैसे जाता है, इनको कैसे हासिल किया जाता है, इनमें ग्रो कैसे किया जाता है, ये बाकी बातें छोड़ दें। कोट लंबा था, कोट छोटा था, लंबे कॉलर का था, पतले कॉलर का था, ये फजूल याद है। सही सर, चलें सर मैं आती हूँ सवालों पे अपने लिसनर्स के, बहुत मेरे पास, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने जब इंस्टा पे पोस्ट की है तो मुझे अननोन लोगों के मैसेजेस आए आपके लिए कि प्लीज़ मेरा एक दफ़ा नाम लेके मेरा सवाल कर दीजिएगा राहत काजमी साहब से, मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ या फ़ैन हूँ कि अब मैं बता नहीं सकती, तो मैं उनके जी बिल्कुल 15 मिनट है अब आपके हाँ पास। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जल्दी सारे सवाल करती हूँ। अच्छा, एक तो सवाल मेरे पास है वसीम साहब का, और इन्होंने मुझसे पूछा है कि आपने फिल्मों में भी काम किया, टीवी पे भी काम किया, तो दोनों में आपको क्या फर्क महसूस हुआ? दोनों में फर्क ये है कि सिनेमा हमारे यहाँ बहुत ही इब्तदाई शक्ल में है अभी, टीवी जो है वो हमारे यहाँ खासी इर्तकाई शक्ल में है। सही, बस ये फर्क है। ठीक है, खतीजा का मैसेज है, इन्होंने आपके लिए मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, मैं खतीजा आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, खास तौर पे धूप किनारे की, क्योंकि मुझे आपकी और मरीना खान की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है उसमें। मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपको उनके साथ काम करना कैसा लगा था, और आप लोग असल में भी दोस्त हैं क्या अब तक? बहुत अच्छी तरह रोज मिलते हैं, ग्रेट। उनके साथ क्यों नहीं काम करना अच्छा लगेगा भाई, हर दुनिया में हर अच्छे आदमी के साथ अच्छा काम करना अच्छा ही लगता है। या तो आप कहें कि वो बुरी थी, नहीं तो फिर मैं भी कहूँ यार मुझे काम करना अच्छा नहीं लगा लेकिन मैंने कर लिया। नहीं, उसमें वो बुरी नहीं है तो अच्छा ही लगेगा, बुरा क्यों लगेगा मुझे? एग्जैक्टली लेकिन जैसे आपने दूसरी हीरोइंस के साथ भी काम किया, तो उसमें से आपकी, चलेंगे मैं पूछ लेती हूँ कि सबसे फेवरेट कौन रही अब तक? देखिए मेरी हीरोइन ज्यादातर सायरा थी। Right. आप देख लें मेरे सीरियल उठा के, कुलवतन फैसले में सायरा थी, परछाइयों में सायरा थी, तीसरा किनारा में सायरा थी, धूप किनारे में नहीं थी, उसमें वो डायरेक्ट कर रही थी, उसकी डायरेक्शन है। राइट, यानी रियल लाइफ में जो आपकी हीरोइन है वही आपकी ड्रामों में भी फेवरेट हीरोइन है। सर एक और क्वेश्चन अरिवा का है, इन्होंने आपसे कहा, डियर राहत सर अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, यू आर माय ऑल टाइम फेवरेट, आई रियली लाइक योर पर्सनालिटी, तीसरा किनारा, धूप किनारे में मुझे आपके निभाए हुए किरदार अली और डॉक्टर अहमद दोनों बहुत पसंद है, लेकिन आपको अपना किया हुआ कौन सा ड्रामा, कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है, और फेवरेट आपकी बुक कौन सी है? कुर्बतें और फासले। सही, उसका रोल भी पसंद है आपको, और फेवरेट बुक आपकी कौन सी है? ओ ये मत पूछिए। हाँ, ये क्या सवाल पूछा आपने, मुझे अंदाजा हो गया। फील्ड में ये बताइए कौन से फील्ड में? देखिए एक तो है लिटरेचर, उसके अंदर है, लेकिन जो सबसे अच्छी किताब मैंने आज तक पढ़ी है वो 11 जिल्दों में है। वो 11 जिल्दों में है, हर जिल्द जो है वो तकरीबन 500 सफ़े की है। जबरदस्त, वो क्या नाम क्या है उसका? उसका नाम है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन,
जबरदस्त, किस ऑथर की है सर? ये 11 जिल्दें हैं इसकी, 11 जिल्दें, 11 जिल्दें। अगर आपने समझना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जिंदगी क्या थी, कैसे है, तहजीबें क्या होती हैं, उनके मायने क्या होते हैं, तो वो एक वाहिद किताब है जिसे पढ़ने के बाद आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत जिंदगी में शायद महसूस ही ना हो। जबरदस्त सर, इसके ऑथर का नाम अगर आप बता दें, राइटर? जी, इसके ऑथर जो है वो मियां बीवी की एक टीम थी, विलियम ज्योरा, विल ज्योरा, विल, ओके, विल ज्योरा, ठीक है सर, ज्योरा। थैंक यू सो मच सर, URNT। थैंक यू सर। सर मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि 15 मिनट का आपने मुझे कह दिया है, तो मैं जल्दी जल्दी सारे की सारे काम करना चाह रही हूँ। ये मैसेज है आपके लिए। महवेश और अस्सलाम वालेकुम राहत साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको आज लाइव 107 पर सुनकर, खुश आमदीद। और आप जैसे सोबर अदाकार हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है, लेकिन आप धूप किनारे के बाद ऐसे गायब हुए कि फिर वो धूप ना निकली जिसका सबको इंतज़ार था। क्या कोई शहनाज शेख ना मिली या मरीना खान ना मिली? और ड्रामे के बारे में दूसरा सवाल ये है कि पहले जब PTV पर चारों सेंटर्स का मुश्तरका कास्ट होती थी तो वो ड्रामे बनते थे, तमाम सीनियर अदाकार हर सेंटर से मिलकर एक ड्रामा सीरीज या सीरियल चलती थी, वो आजकल नहीं है। वो दोबारा हम उन सीनियर अदाकारों को, आप, तल्लत हुसैन या शकील वगैरह या फिरदौस जमाल, ये मिलकर ऐसी कोई ड्रामा तश्कील नहीं दे सकते जो पहले PVTV पे चलते थे, जैसे जंगल, अंधेरा उजाला? जी सर, ये सवाल है अब्दुल रऊफ साहब का। हाँ जी, तो इसमें इन्होंने कोई पूछा है, जवाब दे तो दिया था कि क्यों नहीं हो रहा PTV में काम। सही सही, चैलेंज सर, पॉलिटिसाइज हो गया सब कुछ, सियासी चोर तोड़ की नजर हुआ। सही, बिल्कुल सर, आपने अपने अपने लोग लगाए, उसमें भर्ती की, उसके अंदर का बेड़ा गरक हो गया, जैसे PIA का बेड़ा गरक हुआ, स्टील मिल का बेड़ा गरक हुआ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनका पटड़ा हुआ। सही सर। सर एक और वॉइस नोट, बिल्कुल सर, ये एक और वॉइस नोट है, ये भी मैं आपके लिए प्ले कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर है और मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। राहत काजमी साहब की पर्सनैलिटी और उनका काम दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। मेरा राहत काजमी साहब से सवाल ये है कि उन्होंने ड्रामों में भी काम किया और फिल्मों में भी काम किया, इन दोनों में उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रिलेटिवली मतलब बेहतर कौन सा काम लगा? जी सर, ये वही सवाल है, ये भी जवाब दे, हाँ बिल्कुल आप जवाब दे चुके हैं। एक और बस आपके लिए, एक शायरी मेरे पास मौजूद है रिशान खान की, तो वो मैं पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। इन्होंने आपको कहा है कि राहत काजमी साहब आपको दिल से खुश आमदेद, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इन्होंने कुछ कोशिश की आपके लिए। रौनक ही रौनक है आज महफिल में हमारी राहत काजमी, खुशियाँ लाए हैं आप बज़म में हमारी राहत काजमी, आप हैं शान हमारे पाकिस्तान की राहत काजमी, आपको सुनने को था दिल बेकरार राहत काजमी। ये नए अदाकार तो अभी आए हैं इस मैदान में, सरदार थे सरदार हैं और रहेंगे आप ही राहत काजमी। शुक्रिया बाप जी, रिशान का था मैं बहुत तहे दिल से उनका मशहूर हूँ। उन्होंने मुझे इतने अच्छे लफ्जों से याद किया, लफ्ज बहुत अच्छी चीज होते हैं, उनका इस्तेमाल भी बड़े एहतियात से किया जाना चाहिए, और उन्होंने वाकई बहुत ही अच्छी तरह इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया सर, और आपका आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें टाइम दिया। सीरियसली मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब ऐसा है कि समझे मैंने आपका इंटरव्यू कर लिया, ये मेरे करियर के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सर। कुछ कहना चाहेंगे लिसनर्स से, जितने भी हमारे आपके फैंस हैं और जो न्यू काम करने वाले? एक ही बात कहता रहता हूँ जो पहले भी कहता रहा हूँ, वो ये कहता हूँ कि भाई ट्राई टू क्रिएट एक्सीलेंस एंड बाय डेडिकेशन, बस एक्सीलेंस बाय डेडिकेशन, दिस इज द मैसेज। ग्रेट। और इस वक्त में आपको कौन सा, किसका काम सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, ये भी थोड़ा सा अगर आप अगर बताना चाहें?
आजकल के जमाने में कोई एक्टर जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो कि ये दिल से एक्टिंग करता है, बहुत मेहनत से करता है? किसको कह सकते हैं? फैसल कुरैशी का काम अच्छा है. फैसल कुरैशी जबरदस्त है. चलें सर, मैं आपका टाइम नहीं लूंगी ज्यादा, आपने मुझे इतना टाइम दिया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आइंदा दिनों में साहिरा काजमी साहिबा से भी मेरी सिफारिश कर दीजिएगा कि उनका भी मैं इंटरव्यू करना चाहूंगी. हम लोग, आप लोगों को देखा है साहिरा के प्लेस, तुमसे कहना था और ये सारे अभी भी हम देख रहे होते हैं. तो बस आप लोगों के लिए मोहब्बत है, बेतहाशा दुआएं, और जब भी कभी भी हो सके आपका दिल माने तो जरूर थोड़ा बहुत काम कीजिएगा, हम लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा. ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और इंशाल्लाह ताला फिर ज़रूर साहिरा काजमी साहिबा का भी मैं इंटरव्यू करूंगी, तो बहुत सारी